अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। आज जो स्पेशल रमज़ान रेसिपी मैं लेके आई हूँ वो चिकन वेजिटेबल रोल्स हैं। इसमें जिन अज़ा की ज़रूरत होगी आपको, उसमें मैंने बंद गोभी ले ली है, मैंने चॉप कर ली है सब्ज़ मिर्च, एक मैंने बड़ी सब्ज़ मिर्च लेके चॉप की है। उसके बाद आपको हरा धनिया चाहिए होगा। फिर हमने मैंने तकरीबन 2 चम्मच बड़े शिमला मिर्च बारीक कटी हुई ले ली है। उसके बाद चिली फ्लेक्स जो हैं, कुटी हुई लाल मिर्च मैं इस्तेमाल करूँगी, इसमें जायका इसका बहुत अच्छा आता है। फिर मैं काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, 1/2 चम्मच मैंने लिया है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। उसके बाद हम नमक 1/2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे, फिर अगेन आप हसबे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 बड़े आलू लेके उनको बॉईल कर लिया और फिर मैश कर लिया। मैंने चिकन 1 कप लिया, उसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया, उसके रेशे बना लिए। इसके अलावा आप रोल पट्टी जो बाज़ार से मिलती है वो इस्तेमाल करेंगे इसमें। आइए देखते हैं ये रेसिपी कैसे तैयार करेंगे हम। देखें, अब हम आलू हमने बड़े जो है बर्तन में ले लिए हैं, इसमें मैं नमक डालूंगी, अब इस मटेरियल में हम शिमला मिर्च डाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें हमारे पास कटी हुई बारीक कटी हुई बंद गोभी है, ये हम मिक्स कर लेंगे। ये देखेंगे मिक्स बन गया। अब हम इन्हें, ये जो रोल पट्टियाँ मैंने आपको बताई हैं बाज़ार से आराम से मिल जाती हैं, इसमें हम इसको आपको भर के दिखाते हैं। तो नाज़रीन, मैंने इसको डिश आउट किया है, देखें ये कैसे रे रोल्स, चिकन पोटैटो रोल्स कैसे लग रहे हैं। ज़बरदस्त, शक्ल में भी ज़बरदस्त और टेस्ट में तो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। इनको ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसे लगे। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। फिर एक नई रेसिपी के साथ जल्द हाजिर होंगी। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में, मुझे थम्स अप दें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।